तो जैनम कुमार चैनल में यूट्यूब में आपका स्वागत है। हम एक नई कहानी लेके आए हुए हैं बौद्ध की, जो बहुत पहले समय की बात है। बौद्ध अपने यात्रा पे निकले हुए थे। एक दिन एक गांव से गुजर रहे थे। शाम होने के कारण वहीं उन्होंने ठहरने का निर्णय लिया। उस गांव वहां बौद्ध चरित्र होने के नाते गाँव के लोग सभी एकत्र हुए। उसी गाँव में एक धनी व्यक्ति रहता था। वो बौद्ध के पास आया मिलने के लिए। फिर इसके बाद में उसने बौद्ध से किया, भगवान मैं अशांत रहता हूँ, शांत नहीं मिलती है और दिमाग में हलचल रहती है, भयभीत रहता हूँ। बौद्ध ने उसकी तरफ देखा। इसके बाद में उनने क्या तुम्हारी ये समस्या है बहुत सरल है। तो बौद्ध ने उनसे कहा कि आइए मेरे साथ। बौद्ध गांव के बगल से एक नदी निकल रही थी, नदी के पास ले गए। उनने एक कटोरे में पानी भरने के लिए कहा। उस व्यक्ति ने उस नदी से पानी भर के लाए और बौद्ध की तरफ देखा। बौद्ध ने कहा इसमें एक मुट्ठी नमक डाल दो। उनने डाल दी। फिर अगला आदेश किया कि इसे पियो और इसको पी के बताओ इसका स्वाद कैसा है। उसने एक घूंट पिया और मुंह सिकुड़ने लगा। बोला भगवान ये बहुत कड़वा है। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब इस नदी में एक मुट्ठी नमक डाल दो। उन्हें डाल दिया। फिर बोले कि इसमें से जल लेके पियो। फिर उन्हें पिया। उन्हें बताया ये बहुत ताज़ा और तरल और मीठा है, बहुत अच्छा है। तो उन्होंने कहा इसी प्रकार आपका मन जो है कुंठित रहता है, तो आप पूरी समस्या अपनी नेत्र से विकार में रखे। हमारी समस्याएं और जितनी चिंताएं हैं नमक की तरह हैं, अगर आप उसे सीमित कर लेते हो तो वो कड़वा हो जाती हैं, और अगर उसे शांत विशाल और धैर्यवान हो तो आपकी जितनी भी बड़ी सी बड़ी समस्या है वो छोटी लगने लगेगी। फिर उनने बौद्ध की बात को समझा और उनने अपना अभ्यास शुरू किया। शांत और विशाल और धैर्यवान का उनने अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन होने लगा। फिर इसके बाद में उनने बौद्ध के पूर्ण प्रवचनों का ज्ञान ध्यान देने लगा। इस प्रकार अगर आपको कहानी ये बौद्ध की अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जो आगे आने वाला वीडियो कहानी का आपको मिलता रहे।